अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है गोभी गोश्त। तो गोभी गोश्त बनाने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो गोश्त है उसको पकने के लिए रखना है और बाद में हम लोग इसके अंदर गोभी शामिल करेंगे। तो आप लोगों ने देखना है कि जो सी गोभी गोश्त की ये रेसिपी है कैसे तैयार होगी। तो इससे पहले हम लोगों ने गोभी जो सी सिंपल आलू गोभी वो हमने अपने चैनल पर शेयर की हुई है रेसिपी, आप लोग वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग ये बना रहे हैं और उसकी रेसिपी क्या है, कैसे बनेगी, ये जानते हैं मम्मा जी। मम्मा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश्त ले लिया, एक प्याज डाल दिया मैंने, ना लहसुन अदरक का ना एक चम्मच डाल दिया, ये एक चम्मच नमक का, एक चम्मच मिर्च पिसी हुई, पौनी चम्मच हल्दी, बस ये डाल के ना गोश्त गलने के लिए रख देंगे ना, तो फिर गोश्त गल जाएगा। इतने में मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ तो फिर बकाया आपको काम दिखाती हूँ, है ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोगों ने गोश्त के अंदर नमक, मिर्च, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट सब कुछ शामिल कर दिया है। इसको हम लोग पकने के लिए रख रहे हैं। तो इसी दौरान हम लोग जो गोभी की, क्योंकि आज की हमारी जो रेसिपी है वो गोभी गोश्त की है, तो गोभी को हम लोग काट लेते हैं बिना टाइम ज़ाया कि, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना कि जो हमारी मज़ेदार सी गोभी गोश्त की रेसिपी है कैसे तैयार हो। जी तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने गोभी गोश्त के लिए गोश्त पकने को पहले रख दिया था, यहाँ पर गोश्त तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, आप लोग देख सकते हैं इसका फाइनल लुक क्या है। तो हमने इसी दौरान इसके अंदर अब मम्मा इसको मतलब मज़ीद भूनना है या इसके अंदर गोभी शामिल करनी है, क्या करना है? इसमें आप घी डालेंगे। घी डालेंगे मतलब सिंपल, हम लोगों ने आप लोगों के सामने गोश्त, इसके अंदर जो सा लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, नमक, मिर्च। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ इसके अंदर शामिल की हैं। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर जो कुकिंग ऑयल है वो शामिल करना है, उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। और आज की जो सी हमारी रेसिपी है मज़ेदार सी गोभी गोश्त की तैयार हो रही है। गोभी हम लोगों ने वहाँ पर काट लिए है और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो गोश्त को तैयार कर लिया है। तो गोश्त यहाँ पर तैयार हो गया है और गोभी को भी हम लोगों ने काट लिया है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों ने इसके अंदर डालना है घी और इसकी हम लोगों ने करनी है भुनाई। और आपको हम दिखाते हैं, आप लोगों ने कहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है गोश्त वो तैयार हो गया है। इसी दौरान हम लोगों ने इसके अंदर जो गोभी है शामिल कर दी है, इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे। और तकरीबन अब जो है हमारी हाफ जो रेसिपी है वो डन हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसके अंदर गोभी शामिल की है, उसको हम हला रहे हैं और अच्छी तरह से मिक्स करना है हम लोगों ने इसको। तो इसके बाद हम इसको दम पर रख देंगे। हाँ जी, 5-10 मिनट के लिए ना। पानी वगैरह भी कुछ डालना? नहीं नहीं, पानी नहीं, इसका पानी बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से इसको मिक्स करना है, उसके बाद हम लोगों ने इसको दम पर रख देना है 5-10 मिनट के लिए। तो फिर जो हमारी मज़ेदार सी गोभी गोश्त की रेसिपी वो तैयार हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स, फाइनली यहाँ पर जो हम लोगों ने गोभी गोश्त की रेसिपी आज तैयार करनी थी वो भी हमारी तैयार हो गई है। हम लोगों ने डाल दिया, फाइनल लुक देख लिया आप लोगों ने इसका। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसी तरह इसके अंदर जो ग्रीन पेपर, जो हरी मिर्च है वो भी काट के शामिल कर दी है। तो गोभी गल चुकी है हमारी, तो बिल्कुल फाइनल अब ये रेसिपी। हाँ, ये थोड़ी सी भून लूँ ना, तो मज़ीद हम लोगों ने इसकी भुनाई करनी है। लास्ट पे हम लोगों ने जो है फाइनल जब ये हो जाएगी रेसिपी, तो हम लोगों ने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है। गोश्त भी गल गया है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें कम या ज़्यादा। तो आप लोग तकरीबन हाफ टेबल स्पून हम लोगों ने इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही है। गोभी तो अच्छी बनती है, गोभी आलू भी बनती है, आप लोग वो भी बना सकते हैं। लेकिन गोभी गोश्त की रेसिपी भी आज हमने शेयर कर दी है। गोभी गोश्त तो बहुत मज़े का बनता है, गोभी गोश्त तो बहुत ही लाजवाब बनता है, क्या ही कहना। तो आप लोग इसको चाहे रोटी बना के खाएँ, इसके ऊपर रोटी के ऊपर डाल के खाएँ, बड़ी मज़े का लगता है, रोटी के ऊपर डाल के सालन खाएँ। तो अभी हम लोग इसको मज़ीद थोड़ी देर और भूनते हैं और ये जो हमारी रेसिपी है फाइनल देखें कि ये निकल आया है। हाँ जी, तो फिर इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, फाइनली जो सी हमारी आज गोभी गोश्त की रेसिपी है वो फाइनल हो गई है, बन गई है। तो ये देखिए जी, कितनी अच्छी ज़बरदस्त ये लग रही है, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, घी भी आ गया है और जो खुशबू है उसका तो क्या ही कहना, कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें कि ये जो सी हमने रेसिपी आपके साथ शेयर की है ये आपको कैसी लगी। अगर आपको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ बनाना सीखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको वो भी सिखा देंगे, आप हमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल लुक है और आप इसको बनाएं, ट्राई करें, अपनी फीडबैक दें। और देखिए खड़ी खड़ी है माशाल्लाह, गली हुई है
गली भी हुई है लेकिन बिल्कुल हम लोगों ने इसको हलवा भी नहीं किया और पता चल रहा है दिखने में कि ये देखें कि ये मतलब कॉपी है, ये सब कुछ अच्छा अच्छा सा सब कुछ दिखता है ज़बरदस्त सा माशाल्लाह। ये आप इसको देख के मुँह में पानी है इसके ऊपर, चाहे आप अदरक डाल दें जैसे गार्निश कर लें, हरी मिर्च डाल लें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रुमदा खाने में लगेगा। तो व्यूअर्स जब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त है, हम आपके लिए दुआ गो, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।